नमस्कार। शतरंज की खिलाड़ी कहानी की दूसरी और अंतिम भाग। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलौड़ियाँ भरे, गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब असफ़ुद्दुल्ला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र ना रहती थी। किस्त, सह आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानवाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन खाने का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इनकी जरा भी फिक्र नहीं थी। वे घर में आते तो गलियों में होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए जो बेकार में पकड़ लाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते हैं। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्ज़ा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वो गोड़ों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। आने दीजिए, किस्त बचाइए। ये किस्त जरा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाए, देख लीजिएगा जल्दी क्या है। फिर किस्त, तो खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान है, लाल बंदरों के से मुंह, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। जनाब हिले ना कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, ये किस्त रहा। आप भी अजीब आदमी है, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्ज़ा ने कहा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा। यह किस्त बस, अब की सह और फिर मात। फौज निकल गई, 10 बजे का समय था, फिर बाजी बीज गई। मिर्ज़ा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी। मीर ने कहा, अजी आज तो रोज़ा है, क्या आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है। मिर्ज़ा, जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। शहर में कुछ ना हो रहा होगा, लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐसगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्ज़ा जी की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गज़ल बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली साहब पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में ना कोई हलचल थी, न मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह बिना खून बहाए न हुई होगी। ये वो अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं, ये वो कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ देश ऐश की नींद में मस्त था। ये राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्ज़ा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को जालिबों ने कैद कर लिया है। होगा, ये लीजिए सह। जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती, बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। रोया ही चाहिए, ये ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा। ये रहा आपका किस्त। मिर्ज़ा बोले, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। हाँ सो तो है ही, ये लो फिर किस्त, बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। खुदा की कसम आप पर, आप बड़े बेदर्द है,
इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता? हाय गरीब वाजिद अली शाह। मैंने कहा, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम मनाइएगा। ये किस्त और ये माप लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्ज़ा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है, मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डाले। लेकिन मिर्ज़ा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वो हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अवाविले आ आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हो। मिर्ज़ा जी तीन बाजियां लगातार हार चुके थे, इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा ना था। वो बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक ना एक चाल ऐसी वेढ़प आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्ज़ा जी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते, पर ज्यों ज्यों बाजी कमजोर होती रहती, धैर्य का हाथ से निकल जाता था। यहाँ तक कि वो बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब आप चाल बदलना ना कीजिए। ये क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया? जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए, ये आप मुड़े पर हाथ क्यों रखते हैं? मुड़े को छोड़ दीजिए, जब तक आपको चाल ना सूझे मुड़ा छूएगा नहीं। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी बात समझी जाएगी। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मुड़ा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था, बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्ज़ा बोला, आप चाल चल चुके हैं, मुड़ा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। उस घर में क्यों रखूँ, मैंने हाथ में मुड़ा छोड़ा ही कब था? मुड़ा आप कयामत तक न छोड़े तो क्या चाल ही ना होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मुझे क्यों मात होने लगी? तो आप मुड़ा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। वहाँ क्यों रखूँ, नहीं रखता। क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे, ना ये दबता था ना वो। प्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्ज़ा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो उसके कायदे जानते, वे तो हमेशा घास छीला करते, आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज़ है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। मीर ने कहा, क्या घास आपके अब्बा जाल छीनते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते रहे हैं हम लोग। अजी जाइए भी, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई और आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कोई दिल लगी नहीं है। क्यों, अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिक लगाते हो, वे ही बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्ज़ा ने बोले, अरे चल चल कटे, बहुत बड़बड़ कर बातें ना कर, जवान ना संभालिए। मीर ने कहा, जवान संभालिए वरना बूढ़ा होगा, मैं ऐसी बातें सुनने का आदि नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली, है हौसला? मिर्ज़ा ने कहा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाए, इधर आ इधर या उधर। मीर ने कहा, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेशकब कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे, उनमें राजनीतिक भावों का अधपतन हो गया था। बादशाह के लिए बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए मानो इन दोनों
वीरों को मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडर की टूटी हुई मेहराबे, गिरी हुई दीवारें और धूली धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सीध धुनती थी।